सिटी के बाहर भाई बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 25 मिनट लग गए, बट फाइनली आ गए हैं। वो बिल्डिंग दिख रही है वहीं पे कहीं पे, सिटी सेंटर है। होटल चल के ढूंढते हैं भाई कोई, क्योंकि बुकिंग तो हम करवाते नहीं है, जिस भी सिटी में जाना होता है सीधा वहीं पे ही ऑनलाइन देख लेते हैं या फिर ऑफलाइन पता कर लेते हैं, क्योंकि जनरली ना ऑफलाइन अच्छी डील मिल जाती है, ऑनलाइन महंगा दिखा रहा होता है, ऑफलाइन में वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हैं। ये होटल देखा है भाई, बढ़िया सा लग रहा है, पार्किंग है नहीं पर इनके पास भी। पैसे पूछते हैं कितने लगेंगे। इज देयर एनी रूम अवेलेबल? टू नाइट्स टू मेंबर, बट वी नीड टू सेपरेट बेड विद पार्किंग। भाई 50 यूरो बोल रहा है, कम नहीं कर रहा, ऑनलाइन भी इतना ही दिखा रहा था, हमने सोचा जाएंगे तो कम कर देगा, बट कर नहीं रहा कम, कह रहा चाहे 2 रात रुको, जब 20 रात यही रेट है यहाँ पे, और सस्ता नहीं मिलेगा। तो अभी देखते हैं कहीं और मिलता है तो कुछ जुगाड़। अंदर ही अंदर भाई बहुत पतली गली है और साइडों में ही लोगों ने गाड़ियां लगा रखी है, हालांकि ये फ्री पार्किंग नहीं है, वही सिस्टम है कि मैसेज करो और पे करो दिन में, रात में ये फ्री रहती है पार्किंग। तो यहीं पे एक होटल देखा है, यहाँ की करेंसी में 3000 कुछ का दिखा रहा है, तो इंडिया के तो और कम पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की करेंसी अल्बेनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा मतलब इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पॉइंट का ही फर्क है, बट पहला यूरोप का देश है जिसमें इंडियन करेंसी ऊपर है यहाँ की करेंसी से। 1 hour later, तो जो सबसे पहला होटल पूछ के गए थे फाइनली वहीं आ गए, और कहीं मिला नहीं, सब जगह महंगा था। रिसेप्शन में आपको भाई मिल जाएंगे। व्हाट्स योर नेम? What? Eudan. It's a Muslim name. But they call me Danny. Okay. My name is Anmol. तो वही 50 यूरो में बात हो गई है विद पार्किंग। बट भाई बता रहे पार्किंग जो है वो थोड़ी सी पतली है, और हमारी बड़ी गाड़ी है SUV, तो प्रॉब्लम हो सकती है। Let's see बाकी। रूम अच्छा है लेकिन। Sometimes like I don't know why, but I get like what you're saying, even though I don't understand it. It's like. Okay. You have friends from Pakistan, right? Yeah, Pakistan. Yeah. I was in Erasmus. In Paris. Couple months ago, and I met him there. Okay. And he was a very nice guy. Yeah. मेरे को तो लग रहा है भाई यहीं पे ही भिड़ेगी गाड़ी, अभी तो ये इतना है, ये कह रहे हैं नीचे जाके और ज्यादा नैरो है, तो लेट्स सी जाती है कि नहीं जाती। I'm gonna find you like a public or parking or private parking, because you cannot find like this big of a car. Yeah. Okay. Let's try. Let's see भाई जाती है कि नहीं। तो यहाँ तक तो काफी चौड़ी रोड है, मतलब रोड नहीं है पार्किंग है, बट ये ऐसे कहीं पे घुसवाएंगे तो ये बहुत कम पतली है, तो ये वाली पार्किंग है भाई, शटर खोलेंगे अब है तो ये चौड़ी चली जाएगी, बट वही है टर्न करने में यहाँ पे हो सकता है दिक्कत आए। तो अभी यहाँ तो मोड़ ली, बट ऊपर शटर मुझे लग रहा है कि भिड़ेगा। आने तो इधर आने तो है जगह, घुमा के पूरा। भाई साहब गलत ही फंस गई, धीरे धीरे लाओ, धीरे 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 धीरे। भाई ये तो गलत हो गया, ये लिटिल आजा, आने दो। हाँ उधर तो है ही, भिड़ेगी इधर लेफ्ट में, आने दो। हाँ रुको, ऊपर भिड़ेगी, चलो निकल जाएगी, नहीं आएगी यार। Be careful, sorry, because I'm too worried that you're gonna scratch it. It's a nice car. लाना हल्का से, ट्राई करो, क्या पता निकल जाए, हल्का ट्राई करो, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे लाना, झटके से मत लाना। भाई गलत फंस गई यार, पार्किंग का इशू है। आने दो। हाँ वहाँ से तो निकल जाएगी, आने दो। हाँ अब धीरे धीरे चलने दो, धीरे धीरे चलने दो, हल्का हल्का आने दो, निकल गई, आजो, चलो आजो, पूरा घुमा दो, पूरा। अब वो अट गया शायद से, नट नहीं, हाँ पीछे वाले का अड़ा है, रुको, वो पेच ही अड़ा है पीछे वाला, आगे वाला तो निकल गया। जाने दो, चलो भाई निकल तो गई फाइनली। मेन है इसका ये चीज अट रही थी यहाँ पे, और हमारे उसका ऊपर का पेच। अंदर तो काफी जगह, देखो कितना बड़ा है पार्किंग, उधर देख के चलना लेफ्ट। हाँ, आने दो, घुमा दो, चलो, बस उधर लगा दो उसके साइड में। बट भाई बाल बच गई सही में, उनका शटर तो हल्का सा बेंड हो गया। चलो, जान दो, बहुत जगह है, जाने दो, बस अब घुमाओ इधर। अरे पता नहीं भाई स्टेयरिंग मोड़ने पे ना कट कट की आवाज आ रही है, एक्सीडेंट से पहले तो मेरे ख्याल नहीं आ रही थी, एक्सीडेंट के बाद से ही आने लगी है, टायर से कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, इसमें कट कट बज रहा है बार बार। स्टेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आवाज आ रही है जरा जरा, वो भी जब ऐसे प्रॉपर मोड़ते है ना स्टेयरिंग और टर्न लेते हैं तब। थोड़ी आगे रखना, डिक्की खुल जाए। लो भाई फाइनली रूम में कर लिया है चेक इन, सबसे पहले घुसते ही वॉशरूम है, बड़ा सारा देख रहे हुए, यहाँ पे भी जेड लगा हुआ है क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन है भाई अल्बेनिया में भी काफी। और जब रूम में आए तो भाई साहब एक लाश पड़ी हुई है। हेलो मिस्टर, दो सिंगल बेड है, डबल बेड ना हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे जितने भी डबल बेड है ना भाई वो काफी छोटे हैं, और हम जैसे दो जवान लड़के तो मतलब पूरा फिट नहीं आते, तो बेटर है दो अलग अलग बेड ले लो, आराम से लेट सकता है बंदा। बाकी ये टेबल वेबल है हमने कचरा फैला दिया आते ही, ये तो हर बार का ही है हमारा क्या। बाकी आज के ब्लॉग के लिए रखते भाई, कल भी हम अल्बेनिया में रुकने वाले, इसलिए कल एक्सप्लोर करेंगे, आज हम कहीं भी गए नहीं, थकान इतनी हो गई वैसे भी। बाकी मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना पीका।